कक्षा 10 एक्सरसाइज 14.1 इसका हम आठवां प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदे हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया, यादृच्छिया का मतलब होता है रैंडमली ऐसे घुमा घुमा कर एक गेंद निकाली, ठीक है, सोच कर नहीं निकाली कि लाल निकाली है काली निकाली है, देख कर भी नहीं निकाली, बिना देखे हिलाकर और यादृच्छिया मतलब रैंडमली एक बॉल निकाली हुई है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर एक लाल हो, दूसरा भाग है लाल नहीं। तो देखिए बच्चों, हमें जो प्रश्न दिया गया उसके हिसाब से लाल गेंदे हैं 3, काली गेंदे हैं 5। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कुल गेंदे, तो वो हो गए 3 और 5 8। अब 8 गेंदों में से एक गेंद रैंडम यादृच्छिया निकाली है, तो इसकी क्या प्रायिकता कि वह गेंद लाल होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बटा का निशान लगाते हैं, जितनी कुल इवेंट की पॉसिबिलिटीज हो, कुल गेंदे कितनी है 8, तो 8 लिख देते हैं नीचे। और फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब समझो, फेवरेबल आउटकम्स का मतलब ये होता है कि हमें लाल गेंदे चाहिए थी, तो इस थैले में लाल गेंदे कितनी है, तो 3 हमारी फेवरेबल आउटकम हो गई, यानी कि 3 हमारी लाल गेंदे हैं, 3 चांस है, 3 गेंदे ऐसी हैं जो लाल गेंद को निकालने का चांस बनाएंगी। इसका मतलब लाल गेंद के आने की जो प्रायिकता हो गई वह कितनी हो गई, 3/8। इसको आपने हमेशा ऐसे समझना है कि जितने कुल नंबर ऑफ चांसेस होंगे, कुल बॉलें कितनी है 8 और फेवरेबल कितनी है, यानी हमें चाहिए था लाल की प्रायिकता, तो लाल गेंदे कितनी है 3, तो 3 आ जाएगा ऊपर, कुल गेंदे आएंगी हमेशा नीचे, ठीक है। तो 3/8 लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता है। दूसरा भाग है पी लाल नहीं, यानी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद लाल ना हो। तो इसके लिए हम जानते हैं पीई प्लस पीई नहीं इसके बराबर होता है एक के बराबर। पीई हमें निकाल दिया, कितना आया 3/8, और लाल नहीं होने की प्रायिकता निकालनी है, तो इसको लिख देते हैं पीई नहीं, यह बराबर होगा एक के। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3/8 पीई नहीं के साथ प्लस हो रहा है, जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, जब ये इधर आएगा तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8 और 1 का लघुत्तम 8, 8 को ऊपर 1 से गुणा कर दो 8, माइनस 8 को आपसे भाग किया 3, 1 को 3 से गुणा किया 3, ये आप जानते हैं करना, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुणा, 8 को 1 से भाग किया 8, 8 को 1 से गुणा किया 8 को 8 से भाग किया 1, 1 को 3 से गुणा कर दिया 3, तो ये हमारे पास आ गया 8 में से 3 निकाले 5/8। इसका मतलब क्या है कि लाल गेंद के नहीं होने की प्रायिकता कितनी होगी 5/8, लाल गेंद के आने की प्रायिकता है 3/8, लाल गेंद के ना आने की प्रायिकता है 5/8, दोनों को प्लस कर दो 3/8 और 5/8 हो गया 8/8, यानी 1। यही हमने सीखा था, किसी चीज के होने और ना होने की प्रायिकता का जो योग होता है, ठीक है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर।